डालनी होगी दोस्तों। उन इतिहास के पन्नों पर नजर डालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आज से जुड़ा हुआ है, आज के वर्तमान से जुड़ा हुआ है और भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। आप सोच रहे होंगे मैं कौन सी बात कहने वाला हूं, लेकिन जो बात कहने वाला हूं थोड़ी सी सीरियस बात है जिसके बारे में आज की पीढ़ी को नहीं पता। आजकल भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग, बहुत सारे पत्रकार ये कहने पर आमादा हो गए कि हम लोकनायक जयप्रकाश के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। जितनी एनआरकी लोकनायक जयप्रकाश के टाइम पे हुई, जिसमें पुलिस को बोला गया कि पुलिस अपने हथियार छोड़ दे, ये छोड़ दे, वो छोड़ दे, उस टाइम इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और लोकनायक जयप्रकाश जो थे कांग्रेस छोड़कर आए थे और मोरारजी देसाई भी आए थे। अब यहां हुआ क्या, यहां लड़ाई थी सत्ता की, इंदिरा जी को गिराने की लड़ाई थी। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दी। आज के बड़े बूढ़ों से पूछिए तो बोलते हैं वो इमरजेंसी का टाइम बहुत अच्छा था, ट्रेनें टाइम पे चलती थी, पुलिस कार्रवाई करती थी, सारा कुछ जो था टाइम पे। लेकिन आज तो आपातकालीन जो लगा हुआ है उसमें तो घोषणा ही नहीं की गई है, बस कानूनों के जरिए इंसानों की आवाजों को दबाया जा रहा है। जो लोकनायक जयप्रकाश के जमाने के नेता और पत्रकार थे उनका पूरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, चाहे स्वर्गीय रामविलास पासवान हो, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हो या जॉर्ज फर्नांडिस हो जिन्होंने कफन में कमीशन खाया था, बहुत बड़ा मामला उछला था ना। और बहुत सारे ऐसे नेता जो लोकनायक जयप्रकाश के साथ जुड़े हुए थे, इवन लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये सब और भी बहुत सारे नेता हैं, बहुत बड़ी फेहरिस्त है जो विपक्ष के नेता बन गए। इन्होंने उस टाइम पर अनार्की फैलाई देश को और देश को फिर 20 साल पीछे ले गए। वो भी बोलता है कि जब इमरजेंसी लगी थी तो मैं साधु बनकर के भाग गया था, महात्मा गांधी की तरह उसने गिरफ्तारी नहीं दी। अगर इंदिरा जी तानाशाह थी तो गिरफ्तारी क्यों नहीं दी। जयप्रकाश नारायण जिनको पुरोधा बना करके काफी ज्यादा परोसा जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, विपक्षी दलों के द्वारा, मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी रिसर्च की जाए और रिसर्च के बाद कुछ ऐसे खुलासे होते हैं जिनसे मेरा दिल कांप जाता है, शायद आम हिंदुस्तानी का भी दिल कांप जाएगा। आपको लगेगा कि इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी ज्यादा अच्छी थी, क्यों लगाई गई थी, किसे लगाई गई थी, उसके कारणों पर चर्चा नहीं हुई। प्रेस को इमरजेंसी के तहत सीज कर दिया गया, प्रेस को आजादी थी कुछ भी छापने की। क्या आज तक चैनल या किसी भी चैनल को आजादी है बोलने की? सब खरीदे हुए हैं, यह सबको पता है कि सब खरीदे हुए हैं, लेकिन जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनके बारे में बहुत सारे मिथक चलते हैं, बहुत सारे मिथक चलते हैं। उनको जोड़ा जाता है कि वो गांधीवादी थे, ये थे गांधीवादी नेता की लड़की के साथ उनकी शादी हुई, संपूर्ण क्रांति उन्होंने की इंदिरा गांधी को पदच्युत करने की, उसके पीछे कई कारण बताए गए कि साहब व्यवस्था उनसे संभल नहीं रही थी, ये नहीं संभल रही थी, लेकिन असली कारण तो ये था कि मोरारजी देसाई और लोक नायक जयप्रकाश को इंदिरा जी का आना लग रहा था कि शायद उनकी इंसल्ट है, नेहरू जी के बाद वो सीधे प्रधानमंत्री बना दिए जाने चाहिए थे या मोरारजी देसाई को सीधे प्रधानमंत्री बना दिया जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पूरे देश में दंगे भड़का दिए ये कहकर के गांधी जी के नाम पर, जैसे कि अन्ना आए थे। देखा ना, मैं दो आंदोलन की बात करूंगा, एक अन्ना का आंदोलन और एक लोकनायक जयप्रकाश का आंदोलन, जिसकी दुहाई विपक्ष के बहुत सारे नेता देते रहते हैं जो लोकनारायण जयप्रकाश के मूल्यों से। अब पूरी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा कि कब कब जेल गए। हाँ, इंदिरा जी ने इनको जेल में डाल दिया था और इन साहब, ये अनुग्रह नारायण सिन्हा गांधीवादी थे, सुप्रसिद्ध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर के एक उन्होंने विद्यापीठ बनाया था, उसमें ये रहे, लेकिन वैसे अपने आप को गांधीवादी कहते रहे, लेकिन 1932 में इनको मद्रास में गिरफ्तार किया गया और फिर गिरफ्तार द्वारा किया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा जब ये कुछ हथियार लेके जा रहे थे। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच इन्होंने सुलह कराने की कोशिश की थी, बहुत बढ़िया बात है। एक नारा बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा ने दिया था कि मुझे अपनी चिंता नहीं है किंतु देश के लिए बहुत मुझे चिंता है, मोदी जी अक्सर ये डायलॉग बोलते रहते हैं। उन्होंने एक आजाद दस्ते का गठन किया था नेपाल में जाकर के, प्रशिक्षण दिया, एक बार फिर चलती ट्रेन में सितंबर 1943 में गिरफ्तार कर लिया गया।
आगरा जेल में भी रहे, कुर्बानियां दी देश के लिए, बहुत बढ़िया बात है। इंदिरा जी की प्रशासनिक नीतियों के बहुत विरुद्ध रहे, गिरते स्वास्थ्य के कारण उन्होंने जो था गुजरात राज्य का एक पीपुल्स फ्रंट बनाकर के चुनाव जीता। जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन तो किया लेकिन दूषित राजनीति यहां देश को दे गए। मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, उसमें कुछ वाक्य आते हैं जिनका जिक्र मैं यहां करना जरूर समझूंगा, जो बड़े बड़े पत्रकार आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते होंगे। भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना, यदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था पूरी नहीं कर पा रही है तो हम संपूर्ण क्रांति करेंगे। आप जमाना देखिए, आजाद हुए कब हम, 1947 में। इंदिरा गांधी कब आई, क्या इतनी जल्दी कुछ सिस्टम बदला जा सकता था जिसके बारे में वो क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आना चाहते थे? और जब इंदिरा गांधी को हराया गया आपातकाल के बाद, तो ये सरकारें आपस में कुत्तों की तरह लड़ रही थी और जितने भी इनके आदर्श थे सब मिट्टी में मिल चुके थे, पूंजीवाद के सामने सब घुटने टेक चुके थे, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हों, चाहे नीतीश कुमार हों या रविशंकर शुक्ला हों। मोदी जी तो भागे हुए थे, खैर उनकी बात ही नहीं करेंगे, लेकिन लोकनायक ने यह कहा था कि संपूर्ण क्रांति में सात क्रांतियां शामिल हैं। सात क्रांतियों का मतलब है सात पॉलिटिक्स के वो सब्जेक्ट जो प्रधानमंत्री मोदी जी रट्टा मार के पढ़ के आए। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसी कौन सी बात बोल रहा हूं, शायद किसी पत्रकार ने भी आपसे जिक्र इसका नहीं किया होगा, क्योंकि पत्रकारों को फ्री ऑफ स्पीच तो बंद कर दिया गया था इमरजेंसी में, लेकिन आज की फ्री ऑफ स्पीच क्या है, जो पत्रकार कुछ फ्री ऑफ स्पीच से सवाल कर ले प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना हॉकी मार करके निकाल बे, तेरा कोई काम नहीं है। लेकिन चलिए आज के संदर्भ में बात करते हैं, जो सात क्रांतियां थी वो सात मंत्र थे किसी भी सत्ता का तख्ता उलटने के लिए। जब भी कोई सत्ता में हो तो सात पॉलिटिकल सूत्र याद रखिए। पहला, राजनीतिक मुद्दे उठाइए, आर्थिक कारपोरेट्स को अपने कब्जे में कीजिए, सामाजिक समाज में वो मुद्दे उठाइए जिन मुद्दों के खिलाफ या जिन मुद्दों को सपोर्ट सत्ताधारी दल नहीं करता, सांस्कृतिक अपनी संस्कृति पे इतने डट जाइए कि अगर सत्ता दल कुछ उसमें सुधार करना चाहे तब आप अड़ जाइए, आंदोलन कर दीजिए। बौद्धिक इंटेलेक्चुअल्स लोगों को प्रभावित कीजिए झूठी झूठी खबरों से, अफवाहें फैलाइए। शैक्षणिक भारसाहब यूनिवर्सिटी पर पूरा पाठ्यक्रम चलाइए शिक्षा का, ऐसी शिक्षा का जिससे हिंदुस्तान का कोई दूर दूर तक नाता ना हो हिंदुस्तान के इतिहास का। आध्यात्मिक क्रांति में कुछ ऐसे साधुओं को लेकर आइए जो आपको बोलें कि भारत को विश्व गुरु बना देंगे। तो ये पॉलिटिकल रीजन थे जिन पॉलिटिकल और जो सूत्र बता के गए थे, सात क्रांतियों का सूत्र बता के गए थे। आप मुझे बताइए दोस्तों, एक भी ऐसे नेता का नाम कमेंट में लिख करके जिसने लोकनायक जयप्रकाश का सपना पूरा किया हो, जो अपने आप को लोकनायक जयप्रकाश का हिस्सा बताते हैं, पत्रकारी बताते हैं, सब कोई बताते हैं, क्या वो आज इस कारपोरेट मीडिया का हिस्सा नहीं है? क्या वो आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों की कठपुतली नहीं है जिन्होंने अघोषित तानाशाही और इमरजेंसी यहां लगा रखी है? क्या इस पर कोई मीडिया सवाल नहीं पूछ सकता या प्रिंट मीडिया सवाल नहीं पूछ सकता? अब तो मुझे ये लग रहा है कि जब इंदिरा गांधी को गिराया गया, लालची लोगों की सरकार आ गई, आपस में लड़ते रहे, चीनी के बारे में बड़ी अफवाहें फैलाई गई, और जब गन्ना बो दिया किसानों ने बागपत के, तो चौधरी चरण सिंह ने जो था एक भाषण में बोला था बागपत के किसानों से कि मेरी यहां एक चांद बची है, यहां भी गन्ना बो दो। अगर करनी थी कोई क्रांति इन सात सूत्रों पर तो सरकार चलाकर दिखाते, ये तो सत्ता के लिए कुत्तों की तरह लड़ रहे थे। तो दोस्तों, अपने आप में लोकनायक जयप्रकाश का चरित्र खुल जाता है और उन नेताओं का चरित्र भी खुल जाता है जिन्होंने उस क्रांति को हवा दी थी। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो बताना मत भूलिएगा।